दोस्तों मनीष है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपकी डिवाइस की कुछ प्रॉब्लम्स है, वो आपको मैं आज सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और फुल वॉच करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको, सेटिंग में चले जाना है। और दोस्तों ये जो मैं प्रोसेसिंग बता रहा हूँ ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस डिवाइस का है, मतलब इन्फिनिक्स के जितने भी डिवाइस हैं ये उनमें 100% वर्क करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, सिस्टम वाला ऑप्शन देखने के मिलेगा आपको यहाँ पे लास्ट में, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे सिस्टम अपडेट पे, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के मिलेगा। और जैसे ही हम ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो करने के बाद देखिए दोस्तों ये जो हमारा है ना वो अपडेटिंग, मतलब यहाँ से हमारा इस सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट यहाँ से शो हो रहा है। देखिए वैसे हमको कोई मैसेज नहीं। और दोस्तों देखिए हमारे, मतलब आपने काफ़ी डिवाइस में देखा होगा जैसे MI हुआ कुछ हुआ, तो जैसे यहाँ पे सिस्टम अपडेट या कुछ मांगता है तो वहाँ पे इधर रेड का वो देखने के लिए मिलता है आपको, मतलब सिस्टम पे कि हाँ इसमें कुछ है, मतलब वहाँ पे रेड रेड टिक हो जाता है। जहाँ पर भी मतलब कुछ अपडेट हो या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे रेड अपडेट हो, इसमें ये नहीं होता। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप इसको कैसे अपडेट और कैसे मतलब इसको शो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली देखिए आपको क्या करना है, सिस्टम वाले ऑप्शन पर जाने के बाद जैसे आप सिस्टम पर क्लिक करके ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने देखिए इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा आपको। ये आपको यहाँ से अपडेट करना है, 126 MB का अपडेट है इसका, इसको आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं इसको देखिए अपडेट कर लेता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, यूज मतलब यहाँ पे आपका ये मोबाइल डेटा से यूज करना है या वाईफाई से, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। मैं इसको कर लेता हूँ अपने डाटा से, मोबाइल डेटा से। तो जैसे आप यूज़ क्विकलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए ये जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए दोस्तों मेरे यहाँ से सॉफ्टवेयर जो है मतलब वो अपडेट होने लग गए हैं यहाँ से, और आप भी इस तरह से अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो डिवाइस है ना ये इन्फिनिक्स डिवाइस में वर्क कर रहा है, तो दोस्तों उस पर अपडेट आ रहा है और अपडेट शो नहीं कर रहा है, और हमारा जो डिवाइस है वो लैग हो रहा है और गेम खेलते में काफ़ी कुछ परेशानी आ रही है। और भी कुछ काम्स हैं, मतलब और भी कुछ हैं जो ऐप्स वगैरह हैं वो भी काम करना पूरी तरह से, मतलब इसमें पता है क्या, जैसे भी मान लिया हम इसको अपडेट नहीं करेंगे ना तो क्या प्रॉब्लम आपके लिए आएगी, आप कोई भी जैसे ऐप का यूज़ कर रहे हो तो वो पता है क्या डायरेक्टली बैक हो जाएगा। आपने मतलब मान लीजिएगा जैसे मैंने फेसबुक पर अपना पेज ओपन कर रखा है तो मैं उस पेज को देख रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली वो फेसबुक बंद होने के बाद इसकी मेन डिस्प्ले पर चला जाता है बैक होने के बाद। तो ये जो आपको है ये यहाँ से जाके इसको अपडेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरा अपडेट हो जाएगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस तरह से। और दोस्तों कुछ लोग पता है क्या, जैसे आप इसको सेटिंग में जाने के बाद और अपडेट वाले ऑप्शन पर जाएंगे ना, आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप अपडेट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे ना तो आपको जाने के बाद नीचे सिस्टम अपडेट पर क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन देखने को मिला, आपको इसको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको ये नहीं दिखे तो आपको बैक करना है, फिर दोबारा से करना है, आपको 2-3 बार कर लेना है और आपको इस तरह का ये अपडेट शो हो जाएगा, इसको आपको फिर अपडेट कर लेना है। अभी देखिए मेरा अपडेट हो जाएगा, मैं आपको आपका आगे का प्रोसेसिंग आपको बताने वाला हूँ। चलिए हम इसको अपडेट हो जाने देते हैं। तो देखिए दोस्तों मेरे यहाँ से फ़ोन जो था मतलब वो यहाँ से अपडेट कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों कंप्लीट होने के बाद अब आपको बताएं यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको यहाँ से रीस्टार्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको। जैसे आपका ये सिस्टम अपडेट कंप्लीट होता है तो कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा स्टार्ट नाउ। ठीक है दोस्तों, इधर दूसरे वाले पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको फोन जैसे आपको स्टार्ट करेंगे तो इतने बजे आपको इतने आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा स्टार्ट नाउ, आप इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरा जो डिवाइस था सिस्टम अपडेट था वो यहाँ से देखिए कंप्लीट हो चुका है। आपको जब आपका डिवाइस पे वो रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन क्लिक आए तो आपको उसको कर देना है, और वो करने के बाद आपको वहाँ पर थोड़ा सा अपडेट और करना पड़ता है, मतलब वो अपने आप ही हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। देखिए मेरा यहाँ से जो था वो कम्प्लीट हो चुका है। कम्प्लीट होने के बाद जैसे मैं ऊपर से देखिए नीचे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहा है फिनिश सिस्टम अपडेट। तो दोस्तों देखिए फ़ोन काफ़ी थोड़ा मतलब अमेजिंग देखने में लगेगा और भी आपको। तो दोस्तों आपके जो ऐप मतलब कुछ काम नहीं कर रहे थे और चलता चलता ऑटोमेटिकली फ़ोन बैक हो जाता था,
मतलब फ़ोन चलता चलता ऑटोमेटिकली पैक हो जाता, तो वो आप आपको ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो दोस्तों देखिए मेरा फ़ोन वो फिनिश अप, जो आपको सिस्टम फिनिश अपडेट का ऑप्शन दिख रहा था वो यहाँ से देखिए अभी कंप्लीट चल रहा है, मतलब अभी वो कंप्लीट होने वाला है। आपके जो ऐप यूजफुल थे, मतलब जो आपके ऐप वगैरह आप यूज़ करते थे, वो ऑटोमेटिकली चलते चलते बैक हो जाते ना, तो वो प्रॉब्लम अब नहीं होगी। तो ये आपको अपडेट कर लेना है। और दोस्तों हाँ, आपको ये सिस्टम अपडेट जो ऑप्शन था आपको उसको 2 या 3 से बार चेकआउट करना है, मतलब चेक करना है, तब आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा आपको। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी थी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। We'll be right back.